डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस। अब जब लेंस या मिरर्स की इमेजेस बनती हैं उसमें कुछ कभी कभी डिफेक्ट्स आ जाते हैं जो हमने कंसिडर नहीं किए। जैसे डिफेक्ट्स को पहली बात ऑप्टिक्स में बोलते हैं नाम एबरेशंस। डिफेक्ट्स का मतलब एबरेशंस, ठीक है। ये वर्ड कॉमनली यूज होता है डिफेक्ट्स को लेके। दो टाइप की एबरेशंस हैं, पहली क्रोमेटिक है और दूसरी मोनोक्रोमेटिक है। दो टाइप के डिफेक्ट हैं, एक क्रोमेटिक है एक मोनोक्रोमेटिक है। तो सबसे पहले क्रोमेटिक क्या है? क्रोमेटिक का मतलब कलर रिलेटेड है। होता क्या है, जब व्हाइट लाइट आती है तो प्रिज्म में इसमें से सॉरी लेंस में से पास होती है, लेंस अगर थिक है तो सात रंगों में स्प्लिट हो जाती है, डिस्पर्शन हो जाती है। सात रंगों में से जब निकलेगी बाहर तो हर कोई रंग अपना अपना जो है कन्वर्ज हो जाएगा, रेड सबसे बाद में और वॉयलेट सबसे पहले। तो मल्टीपल फोकल लेंथ आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने ये डिस्पर्शन का अफेक्ट अपने ऑप्टिक्स में कंसिडर नहीं किया। क्लियर है यहाँ तक? पर ये एक डिफेक्ट है, ऐसा आ जाता है। तो इसमें जब मल्टीपल कलर्स आते हैं तो एक फोकल लेंथ वॉयलेट की और एक रेड की, तो अगर मैं इन्हें माइनस करूं, रेड की फोकल लेंथ माइनस वॉयलेट की फोकल लेंथ, इसके डिफरेंस को बोलते हैं LCA। LCA का मतलब लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। LCA का मतलब डिफरेंस ऑफ फोकल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एबरेशन। डिफेक्ट है कि दोनों की फोकल लेंथ में कितना डिफरेंस है, जो कि होना नहीं चाहिए था पर डिफरेंस आया। अब वो कहते हैं कि एक डिफाइन करते हैं, हम क्या डिफाइन करते हैं? LCA का मतलब रेड और वॉयलेट की फोकल लेंथ। हम डिफाइन करते हैं रेड और वॉयलेट की फोकल लेंथ को अगर हम माइनस करें तो मान लो आंसर आता है माइनस DF। ये माइनस DF क्यों आता है मैं बताता हूं। मान लेते हैं आंसर है माइनस DF, तो DF की वैल्यू क्या आएगी? वॉयलेट की फोकल लेंथ माइनस रेड की फोकल लेंथ। आप लेंस के लिए लगाओ लेंस मेकर फॉर्मूला, प्रूफ आपने कुछ नहीं करना, एंड का रिजल्ट बताऊंगा। लेंस मेकर फॉर्मूले को आप डिफ्रेंशिएट कर दो तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करके ये टर्म आ गई, आपके पास एक ये फॉर्मूला है जिसमें 1 बाय फोकल लेंथ R1 R2 की टर्म में है। आपके पास एक ये फॉर्मूला है जिसमें 1 बाय फोकल लेंथ का स्क्वायर R1 R2 की टर्म में। क्यों ना इन दोनों फॉर्मूलाज को डिवाइड कर दें। डिवाइड करेंगे R1 R2 कैंसिल, डिवाइड करके आपके पास जो टर्म आएगी वो ये आ जाएगी, ये टर्म आ जाएगी ये। तो इसमें ये न्यूमिनेटर क्या है? चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ये क्या है? म्यू माइनस वन। इसको मार्क करो एज अ फॉर्मूला, डी म्यू बाई म्यू माइनस वन को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ लेंस। तो आपके अगर बाई चांस अगर क्वेश्चन आता है, तो बहुत कम चांस है क्वेश्चन आने का, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ लेंस, तो ये टॉपिक क्रोमेटिक क्रोमेटिक कुछ नहीं काम आएगा, ये फॉर्मूला काम आएगा जो कि क्या होगा, डी म्यू डिवाइडेड बाई म्यू माइनस वन। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? डी म्यू का मतलब क्या है सुन लो, डी म्यू का मतलब है अलग अलग कलर्स हैं, अलग अलग कलर्स में अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। डी म्यू का मतलब है डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का और रेड का, वॉयलेट का और रेड का। और वॉयलेट और रेड का जो मिड पॉइंट होता है कलर का, वो येलो होता है हमेशा, येलो इज द मिड पॉइंट ऑफ विबग्योर। तो म्यू का मतलब होता है मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन का मतलब येलो का। तो जब न्यूमेरिकल आता है उसमें कलर गिवन होते हैं, डी म्यू का मतलब डिफरेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्नर के कलर्स का, और म्यू का मतलब मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है पूरे कलर्स का जो कि येलो का माना जाता है। ये इसकी डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ लेंस है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल आए उसमें ये फॉर्मूला काम आ जाए तो बस सफिशियंट है। दूसरी चीज, इसमें एफ को यहां मल्टीप्लाई कर दो। एफ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस डी एफ आएगा। माइनस डी एफ क्या आएगा? ओमेगा इंटू एफ, ओमेगा इंटू एफ। लेकिन माइनस डी एफ को हमने क्या डिफाइन किया था? LCA। तो LCA या तो माइनस डी एफ है या फिर एफ इंटू ओमेगा। तो LCA का फॉर्मूला एफ इंटू ओमेगा भी याद किया जा सकता है इफ नीडेड, ठीक। वैसे काम नहीं आता, असली काम आने वाली चीज यही है, एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म। मैं शायद क्वेश्चन देखे आता हुआ मेडिकल के अंदर, कंडीशन फॉर एक्रोमैटिज्म ऑब्जेक्टिव के अंदर, वो क्या? क्रोमैटिज्म का मतलब डिफेक्ट है। एक्रोमैटिज्म का मतलब मैं ये चाहता हूं कि ऐसा डिफेक्ट ना आए, ना आए। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऐसा डिफेक्ट ना आए, तो अकेला एक लेंस जब भी यूज करेंगे उसने तो सात कलर में डिस्पर्शन करनी ही करनी है। तो ऐसा कोई लेंस है ही नहीं जो सात रंगों में डिवाइड ना करे लाइट को। तो कहते हैं एक काम करो, आप एक लेंस मत लो, आप दो लेंस लो। तो आप क्या लो? कॉम्बिनेशन ऑफ टू पेयर ऑफ लेंस लो। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आएगी? 1 बाय F1, 1 बाय F2। आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो
डिफ्रेंशिएट करके ये रिजल्ट आएगा, याद कुछ नहीं करना बताऊंगा, याद क्या करना है, ये कर दो। अब आप ये चाहते हो कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ है उसमें वॉयलेट और रेड का कोई डिफरेंस ना आए, यानी कि डीएफ की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो, नो फोकल लेंथ का डिफरेंस। तो आपको कोई फोकल लेंथ का डिफरेंस नहीं चाहिए, तो डीएफ को जीरो पुट कर दो। जब जीरो पुट करोगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो, और डीएफ की वैल्यू अभी ऊपर निकाली थी ओमेगा इंटू एफ एल सी ए, और यहां पर भी कितनी, ओमेगा इंटू एफ। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन आएगी, ये कंडीशन को स्टार लगा लो, दैट इज ओमेगा वन बाई एफ वन प्लस ओमेगा टू बाई एफ टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसके अंदर ये कंडीशन है एक क्रोमेटिज्म की, वो आपको न्यूमेरिकल क्या देगा, वो कहेगा दो लेंस हैं, दो लेंस हैं, एक की डिस्पर्सिव पावर ओमेगा वन है और जिसकी फोकल लेंथ एफ वन है, दूसरे की डिस्पर्सिव पावर, दूसरे की फोकल लेंथ एफ टू है, दूसरे के डिस्पर्सिव पावर ओमेगा टू निकालो। तो बस आप ये कंडीशन लगाना, इक्वल टू जीरो करना, ओमेगा टू की वैल्यू आ जाएगी। एक और चीज, क्योंकि इन दोनों का सम जीरो है तो एक लेंस कन्वेक्स होना चाहिए, फोकल लेंथ पॉजिटिव, और एक कनकेव होना चाहिए, फोकल लेंथ नेगेटिव, तभी तो पॉजिटिव नेगेटिव का रिजल्ट क्या आएगा, जीरो, तब जाके इस डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। ये रिजल्ट है, अगर क्वेश्चन आने का चांस रेयर है, पर अगर आ जाए तो ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा।